तो आज हम जा रहे हैं पापा के दवाई के लिए डॉक्टर के पास, आयुर्वेदा के पास, क्योंकि अंग्रेजी दवा करा करा के थक गए हैं। बीमारी क्या है उनकी? बीमारी है गैस और खांसी की, अभी की नहीं बहुत पुरानी है। पहले आयुर्वेद का देखते हैं, अब आयुर्वेद भी अगर नहीं कर पाता फिर तो होम्योपैथिक बची, उसको तो करना ही ज़रूर पड़ेगा, वैसे आयुर्वेद से हो जाएगा जहाँ तक। तो अभी हम जा रहे हैं और ऐसा सुनने में आया है कि वहाँ पर कैमरा नहीं चला सकते, रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा आपके लिए रिकॉर्डिंग चलाने की और जो कुछ बात होगी आप तक पहुँचाऊँगा, ताकि आप उसका फेस दिखे या ना दिखे लेकिन उसकी जो बात है ना वो सुननी ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपको कोई जान पहचान में कोई भी ऐसा होगा जिसकी बीमारी होगी ऐसी, वो उस ऑडियो को सुन के या फिर आपका कोई परिवार में होगा तो आप उस ऑडियो को सुन करके कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ समाधान ज़रूर निकाल सकते हैं। तो चलिए सीधा चलते हैं। ठीक है, फिर आपके ऊपर है, आप क्या करते हो, क्या करते हो, इससे भी ऊपर डिपेंड करती है ना। क्योंकि खा रहे बहुत दिनों से खा रहे हैं, परेशान हो गए। इन दवाई में वैसे दिक्कत नहीं होगी आपको? पहली बार ही ली आपने आयुर्वेदिक तो फिर इतने सालों खा ली तो ये इसका एक महीना दो महीना तो देके देखो, है ना। इसमें गोलियां है थोड़ी सी, ठीक है, और पीस लेना ऐसे उससे, इस पाउडर में मिला के इसको ऐसे ऐसे हिला दो, ठीक है, सारी, हाँ सारी, थोड़ी सी ज्यादा नहीं, ठीक। और ये वही इसके दो चम्मच पानी, दो या तीन ले लेना, उसको कम कर दो, उसका दो चम्मच लेना या एक ही कर दो। ये जैसे हम एक साथ मिलाते हैं सारे, मिला लो। फिर ये कैसे कैसे ये एक एक चम्मच शहद में घोल के खाने में दो बार देना, ठीक है। ये किस चीज की है? खांसी की, खांसी की, और ये भी खांसी, खांसी भी है, और वो जो ब्रोंकोडायलेटर वो जो चिपक रही है फिर सांस के लिए वो हो रहा है ना, वो नहीं होगा, और खांसी में भी बहुत आराम आ जाएगा। इसको वही अभ्यारिष्ट की एक चम्मच, इसकी तीन, दो दो चम्मच डाल लेना या तीन भी डाल सकते, और कुछ पानी, पानी मिलाना, सेम ही है, मिलाना पानी दिए साथ। वो किस चीज़ की थी वैसे? जो वो पेट की है। वो पेट की थी, ये खांसी की, ये खांसी की थी, सांस भी नहीं खुलेगा इससे, ठीक है। तो पानी इसमें चम्मच मिलाना वही उतने, जैसे चार चम्मच टोटल दवाई होगी उसका एक चम्मच लेना, इसका अलग अलग लेनी नहीं पड़ेगी, मतलब मिला दो दोनों को, दोनों दवा एक चम्मच उसका, तीन चम्मच इसका, उतना ही पानी डाल के पी लो खाना खाने के बाद, जैसे लिए रहते शहद ये रखो नहीं, ये खांसी के थे, शहद अपना अलग जो घर पे रखा है इसको रहने देना, अभी इसको बाद में ले लेना, अभी ये लेना, और मुंह में थोड़ी लौंग रखा करो, लौंग, लौंग का फूल हटा के जैसे जैसे इनका ये है कि अभी जैसे इन्होंने दवा ली है ये, अभी ये दो से तीन दिन सही काम करेंगे, फिर बाद में वही हो जाता है, तो थोड़े दिन लंबा चलेगा ना। और गड़बड़ कर रहे हो ना कुछ, तो खुद नंदे से नहा रहे हो या कुछ गड़बड़ तो आप भी कर रहे हो, नहीं गर्म से नहा रहे थे अंकल जी, अपने आप कुछ नहीं होता, कहीं तो कुछ गड़बड़ कर ही रहे हो इसलिए होता है। 15 मिनट हमारा इसको पानी गर्म हो गई हो तो हाथ दर्द हाथ हो गई, पीतल वाली रोड है ना वो, अच्छा अच्छा चलो कोई बात नहीं, अब नहीं होगा, अरे ऐसे ही सोचते रहेंगे तो कुछ करेंगे ही नहीं ना, नहीं तो सोल्यूशन होगा ही ना कुछ, तो इसीलिए गया है, जब खांसी होने जाए वो खत्म हो जाएगी, खांसी खत्म। अच्छा ये दोनों खांसी के तेल लगाने, नहीं तेल, तेल लगाओ अंकल जी, बलगम निकलेगा, कफ जमेगा नहीं आपको छाती में, खाने के पहले नहाने से पहले, पहले लगाना है फिर नहा लो तो हट जाएगा ना, फिर तेल कम से कम 5 से 10 मिनट तक, बस 5 से 10 मिनट लगा के छोड़ो, अरे तो कपड़े नहीं गंदे हो रहे आपके सारे, बाद में थोड़ी ना लगाना है, एक्स्ट्रा तेल हट जाएगा, जितना बॉडी को चाहिए उसको मिल जाएगा। ये कैसे लेनी है? ये दोनों को मिला लेना, मिला लिया हमने, और फिर एक कटोरी में निकालना, थोड़ा सा शहद मिलाना और खा लिया, ये भी एक चम्मच, दिन में 3 बार भी ले सकते हो, जब भी खांसी आए इसको ले लेंगे तो आराम आ जाएगा, 2 से 3 बार तक ले सकते हो, थोड़ा सा घोल के रख ही लेना कटोरी में, ठीक है, या डब्बी में किसी, हाँ, शहद में घोल के थोड़ा सा रख लेना, बहुत ज्यादा मत घोलना, तो ये बार बार चलते फिरते बार बार खाते रहना। अच्छा दिन में कितनी बार हो गए? 4 बार मैक्सिमम भी खा सकते हैं, 4 बार, और 1 चम्मच 2 चम्मच आधी चम्मच, आधी चम्मच खा रहे हो तो आधी चम्मच थोड़ी थोड़ी करके बार बार, नहीं तो एक एक चम्मच भर के दिन में थोड़ा सा बना के रख लेना, मतलब इससे ये है कि सडनली एकदम तुरंत रुक जाएगी, होएगी ही नहीं कंटिन्यू, बार खांसी आती है बीमार लगेगा, दिन में ना के बराबर आती है, दिन में लेना एक बार, शाम के टाइम 2 बार ले लेना, शाम को ले लेना, रात में ना,
और ये भी दो बार है दिन में। तुम्हारी आँख भी तो ध्यान चला कभी कभी का दर्द है इसीलिए इसको करवट लेके सोना सीधे नहीं इसीलिए इनके पास हम बेटा ऐसे छोड़ करे हां करवट लेके ही सोना इसीलिए इनके पास मुझे स्पेशल सोना पड़ता है। अच्छा नहीं तो ऊपर सोता हूँ मैं। तो दोस्तों आज पहली बार आयुर्वेद की दवाई घर पे नीचे रखो अच्छा ये सारी दवा बोल दो मम्मी से पीसने वो ये सारी बोल दो दवा पीस दें जल्दी बोल दो टाइम तुम्हारा होता जा रहा है लो इसमें पहले पीस तो लें दवा लो खाओ खाओ जल्दी खाओ चल ले दवा खाइयो जाओ पहले हाँ दवा गोली कैसी थी मीठी थी कैसी थी अंदर गई कि नहीं गई गोली कम नहीं गए छिड़काई वही होगा पूरी गई ना अंदर मत करो हाँ बस ठीक है दवा दे रही इसलिए मैं सड़ा उसके मतलब दवा बिल्कुल नहीं करेगी ये यहाँ ऊपर लगे हाँ बस पियो बादला वो अलग है जी कैसी है पूरी ढक्कन भरो एक हाँ बस तुमने ऐसे कम डालिए पूरे ढक्कन भर के पीते हैं एक और डालो पूरे ढक्कन भरना आपके है थोड़े से और बाद में नहीं चलो ये खांसी की है ये गैस की ये चूरन है ये चम्मच इसमें को डाल दिया चलो चम्मच इसे मेरे अंदर ओ इस ओ ओ, ओ ओ भाई डबल डबल सील नहीं डबल सील नहीं खोल नहीं पाए सही से ओ इसको देखो मैडम अच्छा केक भी ऐसे ही था चम्मच से खाओ ना क्या हो गया अब खा लो करके कहा हो गया तुम तो एकदम चम्मच ले तुम अपने ये चम्मच ले तुम्हें खिलाओ मैं जाओ जीभ तो है ना वो जीभ से ही खाते हैं दांत से थोड़ी निकलता है ये जीभ से ही निकलेगा ये मैडम अपने ले लिया एक तो केक का कलर ऐसे जब से याद आ जाता है इसे बढ़िया लग रहा है लग रहा है लाडो लाडो मुंह देखो शीशा देखो मुंह अपना शीशा मुंह देखो अपना दत कुट्टी लो ये भी चाट लो तू यू तो पापा का जो है बुखार आ गया था अब आयुर्वेदा की दवाई चल रही है तो हम उनको इंग्लिश दवा भी नहीं खिला सकते हैं तो अभी हमने यहाँ से जो है गिलोई तोड़ी ये आपको दिखा देता हूँ ये गिलोई है ये तोड़ी थी और मम्मी लेके आ रही हैं ले आ चुकी है गिलोई अब गिलोई बनेगी है लडुआ गिलोई बनेगी दिलेंगे दिल
डिंग 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 डिंग। तो 2 से 2.5 हफ्ते के बाद इलाज चलने के बाद फ़िलहाल अब सही है पापा। अभी आगे के बारे में बता नहीं सकता हूँ मैं। चैनल के साथ जुड़ कर रहिए, देखते हैं आगे क्या होता है। जैसे ही कुछ होता है कि वो दोबारा गैस खांसी चालू हो गई है, जो भी होता है उसके बारे में आपको बताऊँगा। उसके बाद आपको ये भी कन्फर्म हो जाएगा कि भाई हमें सच में ही आयुर्वेदा की दवाई करवानी चाहिए या नहीं, इससे आपको भी मदद मिलेगी कन्फर्म होने में। तो चैनल के साथ ज़रूर जुड़ करें, ज़्यादा कुछ नहीं करना, केवल सब्सक्राइब करने के बाद एक छोटा सा बेल आइकन है उसे दबा देना। उसके दबाने के बाद ही जो भी नोटिफिकेशन आएगी वो मेरी वीडियो अपलोड करते ही पहुंच जाएगी। थैंक यू सो मच, बाय।